दोस्तों आज सुबह सुबह यानी कि 13 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार यानी कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का निधन हो गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर सुनते ही पूरे देश को बहुत बड़ा झटका लग गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 91 वर्षीय अन्नपूर्णा देवी जी सुबह सुबह करीब 4 बजे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। अन्नपूर्णा जी काफी समय से बीमार चल रही थी, ज्यादा तबियत खराब होने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनका ज्यादा इलाज भी नहीं हो पाया था और उनका निधन हो गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अन्नपूर्णा जी के निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके जितने भी चाहने वाले थे, उन्होंने अपना दुख प्रकट करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें अलविदा कह दिया। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अन्नपूर्णा जी को भले ही लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, लेकिन उनका जो हुनर था उन्हें लाइमलाइट में लाके खड़ा कर देता था। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अन्नपूर्णा जी लाइमलाइट से दूर रहना चाहती थी, उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि उन्हें सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातें हों या ज्यादा लोग उनके बारे में चर्चाएं करें, लेकिन उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन कभी कभी इनके बड़े बड़े पुरस्कारों की वजह से या कभी कभी इनके अपने म्यूजिक एल्बम की वजह से ये चर्चाओं में आ ही जाती थी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अन्नपूर्णा जी का जन्म सन 1927 ईस्वी में एमपी में हुआ था। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन थी और इनका नाम अन्नपूर्णा जो है महाराजा बृजनाथ सिंह जी ने रख दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ही इनका नाम अन्नपूर्णा रख दिया था और इसी नाम से वो फेमस हो गई। वैसे दोस्तों आपको बता दें, इनका जो बर्थडे नेम था यानी कि इनका जो रियल नाम था वो था रोशन रा खां। इनके पिताजी का नाम था अलाउद्दीन खां और अलाउद्दीन खां जी ही इनके गुरु भी थे। जी दोस्तों, इनके जो वालिद थे यानी कि इनके जो पिता थे, इन्होंने ही इन्हें संगीत सिखाया था और संगीत की दुनिया में इन्हें अपना कदम रखने को कहा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी जी के 4 भाई बहन थे जिसमें ये सबसे छोटी थी, लेकिन इनकी जो आवाज थी इन्हें विरासत में मिली थी, जिसकी वजह से इनके पिताजी ने इन्हें संगीत की दुनिया में अपना कदम रखने को कहा था और अन्नपूर्णा जी ने अपना कदम रखा भी और अपना और अपने पिता का नाम रोशन भी किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अन्नपूर्णा जी के हुनर को उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारे देश में किसी भी कलाकार को पद्म भूषण से सम्मानित होना बहुत बड़ी बात होती है और दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार ने हमारी दुनिया को अलविदा कह दिया है। वैसे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज यानी कि बोनी कपूर साहब ने भी अपना दुख जताते हुए इन्हें श्रद्धांजलि दी है। वैसे दोस्तों हमें भी इस बात का काफी दुख है और आप लोग इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। Subscribe my channel and press the bell icon.